जब एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलाव होता है तो इसके बीच का समय सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि हम इन बदलावों के लिए तैयार नहीं रहते या थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो हमारे ऊपर बदलता मौसम असर कर जाता है। मौसम का यही असर सर्दी, जुखाम और वायरल फीवर के रूप में नजर आता है। अब तो डेंगू और चिकनगुनिया का भी खौफ बना रहता है। आपको अपने भोजन में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिसमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने की पर्याप्त सामग्रियां मौजूद हों। यहाँ इस वीडियो में हम आपको ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे जिसके सेवन से सभी तरह के बुखार का इलाज किया जा सकता है। एलोवेरा, ये केवल आपकी त्वचा के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि इसका हाई विटामिन और मिनरल डाइजेशन से लेकर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। एलोवेरा एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटी फंगल है जो आपके शरीर को फीवर से बचाता है। आप इसका जूस या इसे सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी, जहाँ हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं वहीं ये तुलसी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये मुहासों से लड़ती है और हमें मधुमेह, कैंसर, सांस की बीमारियों और क्रॉनिक फीवर से रक्षा करती है। अंजीर, अगर आपने अभी तक अंजीर का सेवन नहीं किया है तो आज से ही शुरू कर दें। ये फल केवल टेस्ट में ही शानदार नहीं है बल्कि इससे उच्च पोषण भी मिलता है। ये आपके शरीर को रक्तचाप, कैंसर, मधुमेह, बुखार और दिल की बीमारियों के इलाज में मदद करता है। किशमिश, किशमिश को पुलाव से लेकर खीर तक में डालने का एक कारण है। ये विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का समृद्ध स्रोत है। ये सभी इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छा है। ये कैंसर, एलर्जी और ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए काफी अच्छा है। हर दिन मुट्ठी भर किशमिश खाएं और आप वायरल या ऑटो इम्यून डिसीज से लड़ने के लिए फिट रहें। पपीते का पत्ता, ये भले ही कड़वा हो लेकिन डेंगू बुखार के पारंपरिक इलाज के लिए काम का है। पपीते की पत्तियों का जूस आपको हर प्रकार के बुखार से बचाता है। मतलब ये है कि ये डेंगू, मलेरिया और यहाँ तक कि चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए भी बड़े काम का है। तो इस तरह से आप इन फूड्स का सेवन करके अपने शरीर को सभी तरह के फीवर से दूर रख सकते हैं।